बनारस एक अति प्राचीन नगर है। इसके कण कण में कलाकार और कला बसती है। ये कलाकारों की एक नर्सरी कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारा जन्म एक टेक्सटाइल फैमिली में हुआ और शुरू से ही हमारे परिवार में टेक्सटाइल्स, ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स होते थे और वीवर्स हमारे यहाँ आते थे। तो वाराणसी में रहने के कारण हमें इतने वीवर्स से हमारा संपर्क होना, डिज़ाइनर से संपर्क होना, तो हमारी क्राफ्ट में रुचि इस प्रकार से बढ़ती जा रही थी। तो उनमें से जदुनाथ सुपकार जी एक डिज़ाइनर थे जिनके कार्यों से हम बहुत प्रभावित होते थे। वो हमारे परिवार से जुड़े भी होते थे, बहुत सारे डिज़ाइनर्स के पास जाते थे, हम उनका काम बहुत अप्रिशिएट करते थे। जदुनाथ जी से हमें कुछ स्पेशल दिखा कि भाई ये इनके डिज़ाइन बहुत स्पेशल होते हैं। तो जदुनाथ जी के पास हम गए, हमने उनसे कहा कि हमारे लिए डिज़ाइन करिए। जदुनाथ जी तैयार हो गए। उनके पास जाके घंटों बैठना और उनके डिज़ाइंस के बारे में इंट्रिकेसीज समझना, उसको कैसे टेक्सटाइल पे प्रोड्यूस करना है, विभिन्न क्षेत्रों के डिज़ाइनों को, विभिन्न प्रांतों के डिज़ाइनों को वो बनारसी साड़ी में कैसे लाना है या बनारस के टेक्सटाइल में कैसे लाना है, वो जदुनाथ जी को उसमें पारंगत हासिल थे। वो डिज़ाइन बनाते थे, उनकी उंगलियां कैसे इंट्रिकेसीज कैसे घूमती थी, हम उनको घंटों देखा करते थे कि कैसे उनकी उंगलियां घूम के डिज़ाइन एक फॉर्मेशन करती हैं और एक कैसे एक इतना खूबसूरत डिज़ाइन बन जाता है। हमारे बच्चे अपने विदेशों से एजुकेशन कंप्लीट करके उन्होंने इस क्राफ्ट को ज्वाइन करने का निश्चय किया, तो हमने अपना डिज़ाइनिंग का खजाना दिखाया। उस पर उन्होंने जदुनाथ जी के डिज़ाइंस भी देखे, उस पर कई डिज़ाइंस उन्होंने देखे कि जदुनाथ जी के इनकम्प्लीट पड़े, क्योंकि जदुनाथ जी की अर्ली डेथ हो गई, 20 साल पहले डेथ हो गई। तो उन्होंने उन पुराने डिज़ाइंस को फिर से रिवाइव करने की इच्छा जताई। उसके लिए उन्होंने श्री शिभाष सुपकार, जो कि जदुनाथ जी के बेटे हैं, शिभाष जी के हेल्प से और अन्य बनारस के जो बेस्ट डिज़ाइनर्स हैं उनकी हेल्प से उन्होंने इस सीरीज को प्रोड्यूस करने का फैसला किया और वो कर रहे हैं। मेरे पिताजी 1959 में जब बनारस में आए, वो उस ड्राइंग से काफ़ी चेंजेस आया, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बनारस में हो रहे थे। एक ऐसा आर्टिस्ट चाहिए था जो सब जगह ड्राइंग परफेक्टली दे सके या उस सब सब्जेक्ट में इन हो सके। बनारसी साड़ियों में जब ड्राइंग की बात आती है तो सबसे पहले डिज़ाइन बैठाव कैसे है, हुनर और बाट का जो गैप है कैसे बैठाया जाए, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो परफेक्ट नहीं है तो वो डिज़ाइन बहुत सुंदर नहीं है। और जे एन सुपकार का जो सिग्नेचर स्टाइल था, उस ड्राइंग का परफेक्शन था। डाल कितनी मोटी होनी चाहिए, गैप कितना होना चाहिए, फूल कितना बड़ा होना चाहिए, कितना एरिया है उसमें, कितनी सुंदर डिज़ाइन कैसे बैठाई है, ये परफेक्शन जे एन सुपकार के पास था और वो उनका सिग्नेचर स्टाइल था। ये मेरा सौभाग्य है कि उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ उस डिज़ाइनों को रीडिज़ाइन करने के लिए। और एक बनारस का पुरानी डिज़ाइन, जे एन सुपकार स्टाइल की जो डिज़ाइनें होती थी, उसका भी एक रिवाइवल होगा। और बहुत ही अच्छी पहल है तिल्फी की तरफ से। तानी ये बना रहे हैं इसको, फिर तानी के जोड़ेंगे इसको। हाँ, तानी जोड़ के फिर इसको बिना जाएगा। हाँ, एक एक तार को जोड़ेंगे। अभी डाई करके हाँ, अभी वो करो। हाँ, इसको लुपेटेंगे तुझे। हाँ। हम ये कर रहे हैं, हम एक ही परिवार के हैं, हम जो बनारसी काम कर रहे हैं तो ये हमारा पुश्तैनी काम है। अपने बचपन से बाप दादाओं से ये सीखते आए हैं, अभी तक सीख रहे हैं। हम तिल्फी से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। तिल्फी से जुड़ने के बाद तो हमारे काम में और चार चांद लग गया। वहाँ से तो हमको पुरानी पुरानी डिज़ाइनें, पुराने पुराने फैब्रिक
और पुरानी कला को उजागर करने का मौका मिला। जो चीज़ें अब हम तैयार कर रहे हैं, पहले नहीं तैयार कर रहे थे, आगे भी हम अपने परिवार को इसी काम में डालेंगे कि हमारी कला और हमारी जो संस्कृति है, ये बनारसी साड़ी है, हम हैंडलूम है, ये हमेशा ज़िंदा रहे। आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये डिजाइनर्स के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। इन कलाकृतियों, इन साड़ियों को लोग संजो के पीढ़ी दर पीढ़ी रखेंगे और हैंडलूम हमेशा ये कालजयी बनी रहे, इसकी हम कामना करते हैं।